गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। रूटीन तो डेली का बदलता रहता है काम के हिसाब से और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से रूटीन बदलते रहते हैं, पर आज का मेरा रूटीन कैसा रहेगा इवनिंग से लेकर नाइट तक, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और अभी लेके बैठी हूँ मैं थोड़े प्रेस के कपड़े। वैसे मोस्टली मैं ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो बाहर ही देती हूँ आयरन के लिए, लेकिन कुछ सिद्धार्थ के छोटे कपड़े और इसके अलावा जो मेरे रेगुलर के कुर्ते वगैरह होते हैं या टॉप वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, वो मैं घर पर आयरन कर लेती हूँ। और मैं कभी भी इकट्ठे करके कपड़े आयरन नहीं करती हूँ कि 15-20 कपड़े इकट्ठे करके बैठे और फिर आयरन किया, ऐसे नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ही हेडेक लगता है, ऐसे कमर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, तो इसीलिए मैं 2-3 से ज़्यादा कभी कपड़े आयरन नहीं करती हूँ। आज मैं 4 कपड़े लेकर के बैठी हूँ। 2 सिद्धार्थ की शर्ट्स हैं और 2 मेरे, एक मेरा शर्ट है और एक मेरा कुर्ता है। मेरे पास और आयरन के कपड़े हैं, पर मैं एक ही बार में आयरन नहीं करूँगी। मैं हर 1-2 दिन छोड़ करके 2-2 3-3 कपड़े आयरन कर देती हूँ। टाइम भी बहुत कम लगता है, पता ही नहीं चलता कि आपने आयरन किया है कपड़ों को, और मुश्किल से 10 मिनट में आपके 3 या 4 कपड़े बहुत अच्छे से आयरन हो जाते हैं। बच्चों के हैं तो उतनी देर में 10 मिनट में 5 कपड़े आपके आयरन हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करने से पता भी नहीं चलता है, टाइम भी कम लगता है, कमर में भी दर्द नहीं होता है और आराम से डेली के रूटीन में ही वो चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए बस सिर्फ 2-3 कपड़े मैक्स लेके मैं बैठती हूँ, उनको आयरन करती हूँ, रख देती हूँ, फिर अगले दिन 1-2 कपड़े और निकालती हूँ। इस तरीके से मेरा आयरन का रूटीन चलता है। और जितने भी हस्बैंड के कपड़े हैं, शर्ट्स एंड उनकी ऑफिस की पैंट्स वगैरह हैं, वो सब मैं बाहर जो आयरन वाले होते हैं उनको आयरन करने के लिए देती हूँ, क्योंकि वो एकदम हमेशा रखे होने चाहिए। जैसे कि ऑफिस गोइंग के लिए जो कपड़े होते हैं वो हमेशा नीट एंड क्लीन आयरन प्रेस करके सारे कपड़े रखे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है, मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए उनके सारे कपड़े मैं हमेशा आयरन में देती हूँ। बाकी मेरे रेगुलर वेयर और सिद्धार्थ के रेगुलर वेयर मैं घर में ही आयरन करती हूँ, और हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह भी मैं घर में आयरन कर देती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं शिल्पी तिवारी, जिन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई करी और मुझे मेल पे उन्होंने पिक्चर्स भेजी। उन्होंने जो रेसिपी ट्राई करी थी, तो उन्होंने छोले भटूरे ट्राई किए थे, उनकी पिक्चर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी। तो ये उनकी थाली है, उन्होंने ये पिक्चर मुझे भेजी थी। थैंक यू सो मच शिल्पी कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी और उसके बाद ये पिक्चर क्लिक करके भी मुझे भेजा। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गुड इवनिंग, अभी हो रहा है 6:45 हो रहा है, अभी चाय का भी टाइम हो गया है और डिनर बनाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो भी थोड़ा बहुत काम था मेरा अलग काम, वो सारा निपटा करके आ गई हूँ। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा कुछ सिद्धार्थ के शाम के खाने के लिए बनाऊँगी, और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। आज जो मैं चाय पीने जा रही हूँ वो नॉर्मल इंडियन टी नहीं पीने जा रही हूँ, आज मैं ये वाली चाय पीने जा रही हूँ। बेसिकली मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। तो ये है गुड वाइब प्लस का तुलसी एंड सिनेमन टी, ये हर्बल टी है। तो मैं पहले पी के देखूंगी कि ये चाय मुझे कैसी लगती है, क्योंकि मुझे कड़वे और उस फ्लेवर से थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, पर ये चाय मुझे कैसी लगती है देखते हैं। ये चाय जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 100% नेचुरल है। उसके बाद आपका नो कैफीन, नन GMO और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, यहाँ पे सारा बताया हुआ है। और ये टी जो है ये 18 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर पैकेजिंग, और जुलाई 2019 की पैकेजिंग है ये। इसका प्राइस जो है वो 229 रुपीज़ का है, लेकिन कुछ ना कुछ इन पे डिस्काउंट ज़रूर होगा। जो भी डिस्काउंट होगा आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर इसको ट्राई देना चाहते हैं तो ट्राई भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ हल्दी हैं और अलग अलग तरह की हर्ब्स हैं वो भी आई हैं। तो आप अगर ट्राई देना चाहें किसी चीज़ को तो ट्राई दे सकते हैं। और गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट हैं वो मुझे पसंद आते हैं, अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं सब मुझे पसंद आते हैं। और इसके अंदर तो ये है ऑक्सीजन एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ये, तो इसको थ्रो कर देना है। बहुत बढ़िया खुशबू है। और ये मुझे लगा था कि ये थोड़ा पाउडरी फॉर्म होगा, पर ये तो पूरे तुलसी के पत्ते हैं। वाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखो,
ये तुलसी की ड्राइड लीव्स हैं, और आई थिंक ये जो चीज़ है ये सिनेमन है। हाँ ये सिनेमन है, देखिए ये सिनेमन के टुकड़े हैं, इसकी लीव्स हैं। वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में होगा। चलो इसको ट्राई करते हैं, इसकी खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है, एक बार इसको ट्राई करते हैं। होगा 1 स्पून इतना ले लेते हैं, और ये ना ऐसी पैकेजिंग में आता है तो आप यहाँ से इसको सील कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी इसको एक बार सील करने के बाद ना आप किसी डब्बे के अंदर ही रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप ये जो देख रहे हो ना एकदम क्रिस्पी जो लीव्स हैं ना इनमें मॉइस्चर आ जाएगा, ये एकदम क्रिस्पी हैं। जो तरीका इसमें दिया गया उसी तरीके से मैं इसकी टी प्रिपेयर करूँगी। तो पानी बॉयल हो गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। तो इसको ढक देना है, इसी प्लेट से मैं इसको ढक रही हूँ, और 3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। जब तक यहाँ पे चाय जो है वो 3 मिनट के लिए रेस्ट कर रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ आम का अचार जो मैंने डाला था। ये देखो, एक मिनट मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए आम का अचार जो है वो बन के एकदम रेडी है, और कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि बारिश के मौसम में आपने आम का अचार क्यों डाला है। तो आम के अचार के बारे में मैंने हमेशा सुना है कि एक दो बारिश हो जाए अच्छी वाली, उसके बाद ही आम का अचार डालना चाहिए। तो इसको जितनी प्रॉपर धूप चाहिए थी वो इसको मिल चुकी है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ आम का अचार, तो मैंने तो यही सुना है। तो इसीलिए जब भी बारिश हो जाती है, एक दो बार तीन बार बारिश हो जाती है, उसके बाद ही मैं हर साल आम का अचार डालती हूँ। तो देखिए अचार जो है वो थोड़ा सा मैं इसको ना हिला देती हूँ, क्योंकि सारे जो मसाले हैं और सारा जो ऑयल है वो नीचे चला गया है। इसको हर दूसरे दिन मैं इस तरीके से एक बार शेक कर देती हूँ ना, तो सारा स्पाइसेस फिर से मिल जाते हैं। और मैं एक पीस निकालती हूँ और मैं खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। मैंने हस्बैंड को दिया था खाने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बारी है कि मैं एक बार टेस्ट करूँ। देखो आम का अचार, और देखिए ये गल चुका है, देख रहे हैं आप, एकदम अच्छे से गल चुका है, कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ है और बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया खट्टा और अच्छा आम का अचार बन के तैयार हुआ है, वेरी डिलीशियस। खट्टा लग जाता है ना एकदम, आँख ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होने लगता है, वो मुझे हो गया अभी इसको खाने से, पर बहुत अच्छा बना। हर बार जब भी मैं अचार डालती हूँ ना सेम टेक्निक से डालती हूँ, सेम मतलब जो प्रोसेस है, प्रोसीडियर है, इंग्रेडिएंट है, सब कुछ सेम मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल कुछ ना कुछ जो है टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो बहुत बढ़िया अचार बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर गल गया है, और अब ये साल भर के लिए एकदम रेडी है। और इस बार तो मैंने कम डाला है, ये मैंने इतना बड़ा जो है जार लिया था इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा अचार पहले डालती थी, 4 किलो 3 किलो ऐसे डालती थी, पर इस बार मैंने सिर्फ 1.5 किलो का डाला। हाँ सिर्फ 1.5 किलो का डाला है, लास्ट ईयर भी मैंने 2 2.5 kg का डाला था, पर इस बार मैंने 1.5 किलो का ही डाला है। तो चाय हो गई है, सच में ऐसी खुशबू आ रही है जैसे आप तुलसी वाली चाय बनाते हो ना तो वो खुशबू देती है तुलसी की, उस टाइप से कुछ खुशबू आ रही है। और सिनेमन तो है ही इसमें, इसके साथ मैं थोड़े से पीनट्स लूंगी स्नैक्स में। इसमें जैसे ग्रीन टी में कड़वाहट सी होती है ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस सिनेमन और तुलसी का एक फ्लेवर आ रहा है, और इसमें मैंने
शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, तो सिर्फ पानी में मैंने उस चीज़ को डाला है। तो जैसा तुलसी और सिनेमन का मिक्स होके फ्लेवर आना चाहिए वैसे ही आ रहा है, कोई अलग सा कुछ फ्लेवर नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी डाइट में तो आप एक बार इसको ट्राई दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ परवल, और परवल आज मैं थोड़ा ना स्पाइसी टाइप के, और वैसे होते हैं ना जो पार्टी पार्टी वगैरह में खाए जाते हैं उस टाइप के परवल बनाने का मन कर रहा है आज। ज़्यादातर हमारे घर में ना परवल की भुजिया बनती है, लेकिन आज मैं सारे नहीं बनाऊंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इतने परवल बनाऊंगी मैं, और इसमें आलू भी ऐड करूंगी। तो आलू परवल की सब्ज़ी बन रही है आज, मसालेदार पार्टी टाइप की सब्ज़ी। छीलना नहीं होता है इसको, मतलब एकदम छिलका अलग नहीं करना है, लेकिन ये जो ऊपर की लेयर है थोड़ी थोड़ी सी, इसको बस खुरच देंगे हम लोग इस तरीके से, या फिर ये जो दांती वाले चाकू होते हैं ना इस तरीके से जिग जैग वाले, इनसे नहीं होगा तो इसके बैक साइड से आप कर सकते हो, या वो वाले चाकू यूज़ कर सकते हो जिनमें ये दांती ना हो। परवल को मैंने अच्छी तरीके से ऊपर से छील करके और रख लिया है, और इतने परवल में मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के 3 आलू यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने प्याज लिया है, और थोड़े से लहसुन लूँगी मैं, 7-8 कलियाँ लहसुन लूँगी। और आलू आप अपने घर के प्रेफरेंस के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो लोग आलू कम खाते हैं या जिनको ज़्यादा पसंद नहीं है वो परवल की ऐसे भी सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ हर चीज़ की सब्ज़ी में 1-2 आलू डाल दिए जाते हैं शुरू से, तो वैसे ही बनाने की आदत है। पर अगर जिन लोगों को आलू पसंद नहीं तो आलू स्किप कर दीजिए, पूरा इसी तरीके से सब्ज़ी बनाइए, सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनेगी जितनी आलूओं के साथ बनती है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो दूंगी, और इसके बाद धोने के बाद मैंने उसको निथरने के लिए रख दिया था, और अब परवल को मैं कट कर लूँगी। तो परवल मैंने पहले बीच में से 2 टुकड़े किए हैं, मतलब कि आपको जो मीडियम साइज़ के परवल होते हैं उनके 4 टुकड़े करने हैं, और 4 टुकड़े में से जो 1 टुकड़ा निकलता है उसके अंदर इस तरीके से कट लगाना है आपको, पूरा अलग नहीं कर देना है। ऐसे कट लगाने से क्या होता है, परवल बड़ा बड़ा भी दिखता है, और उसके अंदर तक एकदम रस जो है, ग्रेवी जो है, मसाले जो हैं वो भर जाते हैं, तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो अलग अलग टुकड़ों में काटने की बजाय इस तरीके से आप इनको काटिए, और अगर छोटे परवल हैं तो आप उनको सिर्फ 2 भागों में काट सकते हैं, और फिर उनमें चीरा चीरा सा लगा दीजिए, तो अंदर तक सारी जो ग्रेवी है वो चली जाती है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, ये जो सब्जी है इसमें तेल थोड़ा सा जो हमारी रेगुलर सब्जी होती है उनसे अधिक ही जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा पार्टी के लिए सब्जी बना रहे हैं, या जैसे कि शादी वगैरह में बनती है उसके लिए बना रहे हैं। तो आप अगर गेट टुगेदर हो तो इस तरीके की चीज़ ट्राई कर सकते हैं। शादियों वगैरह में और पार्टी वगैरह में परवल को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ तेल में डाल करके और इनको अच्छे से पिंक होने तक इनको सेक लूँगी अच्छे से, जब तक इन पे पिंक चित्ते नहीं आ जाते, अच्छे से ये फ्राई नहीं हो जाते, और इसी तरीके से मैं आलूओं को भी सेकूँगी। तो आप चाहें, अगर आप किसी अच्छे गेट टुगेदर के लिए यहाँ पे कुक कर रहे हैं तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उनसे इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। पर अगर आप घर के लिए बनाएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा तेल डाल करके और इस तरीके से पिंक फ्राई कर लीजिए इनको भी और आलूओं को भी। क्या है कि हम लोग ना छोले पनीर, राजमा हो गया, या मटर पनीर हो गया, शाही पनीर, ये सारी चीज़ें तो हम लोग बनाते ही रहते हैं किसी भी गेट टुगेदर में, लेकिन चीज़ों की वैरायटी बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आलू परवल भी बहुत अच्छा लगता है किसी भी पार्टी किसी भी फंक्शन में, अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत, मतलब इसका अच्छा स्वाद आता है, ऐसा नहीं आता कि घर की सब्जी की तरह लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू भी कर लिए हैं फ्राई, परवल भी फ्राई हो गए, उनको निकाल लिया, और अब मैं मसाला बना रही हूँ। तो एक प्याज जो मैंने काटा था, मीडियम साइज़ का प्याज था, वो मैंने मिक्सी में डाल दिया है, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाले हैं, और 7-8 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनका एक मैं मिश्रण बना लूँगी, उसको ग्राइंड कर लूँगी। और आलू देखिए यहाँ पे हो गए हैं, आलू बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाने हैं कि एकदम पक ही जाएँ, क्योंकि ये जो हमें सब्ज़ी बनानी है इसमें परवल भी और आलू भी खड़े खड़े दिखने चाहिए, एकदम मशी और मैशी ना हो जाए, एकदम कि भरता जैसा लगे वैसा नहीं लगना चाहिए।
तेल मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया और इसमें ये मसाले डाल दिए हैं। इसमें 3 लौंग हैं, 3 इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ता हैं। ये मैंने खड़े मसालों में यूज़ किया है। उसके बाद 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जाएगा ये हमारा पिसा हुआ मसाला, जिसमें है जिंजर, गार्लिक और ऑनियन। और इसको हम अच्छी तरीके से, तेल जब तक सेपरेट नहीं हो जाता, हम इसे फ्राई कर लेंगे। आलू परवल की ये सब्ज़ी भी कई तरीके से बनती है। कुछ कुछ तरीक़ों में आलू को बॉईल कर लिया जाता है, मैं भी बनाती हूँ, और मेरी मदर इन लॉ के भी तरीके अलग हैं, उनके तरीके से भी मैं कभी कभार बनाती हूँ, तो वो मैं आगे शेयर करूँगी, या फिर जब मैं गाँव जाऊँगी ना तो उनकी मैं सारी रेसिपी शेयर करूँगी वहाँ पर। मसाले ने यहाँ पे अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है और अच्छे से ब्राउन हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा था। वो टमाटर मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, देसी वाले। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, अभी थोड़ा सा ही सॉल्ट डाला है, बाकी का बाद में डालूँगी। इससे बस ये ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक जाएगी और जल्दी पक जाएगी। ढक दिया है इसको, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे पकाना है, और ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि वो अच्छे से तेल सारा रिलीज़ ना कर दे। बस फिर हम उसके बाद इसमें मिला देंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच रेड चिली का पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है धनिया का पाउडर, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर, कैसे मैं मसाले बनाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया था, और 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था ब्लैक पेपर। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ब्लैक पेपर आप रेगुलर क्यों खाने में यूज़ करते हैं, तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। सैलेड वगैरह के ऊपर भी यूज़ करना चाहिए, और इस तरीके से आप खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1-2 चुटकी रेगुलर खाने में यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। तो सारे मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के भी इनको भून लूँगी, ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो बढ़िया से पक जाएं। मसालों के अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी परवल और आलू, और इनको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने परवल और आलू दोनों चीज़ों को भून करके रखा हुआ है। तो मसाले के साथ इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें पानी ऐड कर देंगे हम, थोड़ा सा सॉल्ट जो हमको चाहिए सब्ज़ी के लिए वो ऐड कर देंगे, थोड़ा हमने पहले डाला हुआ है, थोड़ा अभी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जितना हमको पतला या गाढ़ा रखना है। वैसे ये जो सब्ज़ी बनती है ये थोड़ी सी थिक साइड में बनती है, मतलब एकदम पानी पानी जैसी इसकी ग्रेवी नहीं रहती है, थोड़ी सी थिक ग्रेवी रहती है। जैसे कि हमारे शाही पनीर हो गया, या फिर मटर पनीर वगैरह की ग्रेवी थोड़ी सी थिक और लटपटी सी सब्ज़ी बोला जाता है हमारे यहाँ, वैसी रहती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि पकने में थोड़ा सा पानी जाएगा, बाकी ये जब सब्ज़ी बन करके आएगी तो ये इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट वैसी होगी जैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा तेल जो है वो ऊपर आ गया है, और एकदम ग्रेवी का कलर आप लोग देख लीजिए, कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी मैं बता नहीं सकती, काफ़ी दिनों बाद मैंने इसको बनाया था, लेकिन एकदम मज़ा आ गया खा के, बहुत अच्छी बनी थी। आलू भी देखिए खड़े खड़े हैं, और यहाँ पे जो परवल है वो भी खड़े खड़े हैं, एकदम मशी नहीं हो गए, एकदम गल नहीं गए हैं। और जो ग्रेवी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी है। सिर्फ इसमें कमी एक बात की है, हरे धनिए की, तो वो भी कमी पूरी कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये सब्ज़ी बन करके तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और आप अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। बस अब रोटियों की बारी है, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल वावल के साथ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, रोटी के साथ ही अच्छी लगती है, और इसके साथ दाल या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ये सब्ज़ी और रोटी मिल जाए ना तो बस मज़ा आ जाता है। तो बस मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। आज का हमारा यमी डिलीशियस और बढ़िया सा डिनर, सॉरी मैं लंच बोल रही हूँ, डिनर बन करके रेडी है।
और सब्ज़ी देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही है। आप ज़रूर ट्राई करना ये एक बार, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और रोटी ले ली है मैंने, थोड़ा सा सैलेड रख लिया है, और जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी आटे की वो मैंने रख दी है मीठे के तौर पे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।